क्रॉस हो या एक्स हो, कुछ जगहों पे अच्छी मानी जाती है, कुछ जगहों पे अच्छी नहीं मानी जाती है। सपोज आपके गुरु माउंट पे एक्स हो, क्रॉस हो, तो अच्छी मानी जाती है। वही क्रॉस अगर सनी माउंट पे हो, वही क्रॉस अगर सन माउंट पे हो, तो ये निगेटिव इम्पैक्ट देता है। ठीक है, आप हथेली को जब देखेंगे इस प्रकार से, तो ये रहा आपका, अभी तक तो आप लोग जान गए होंगे ना, ये रहा आपका गुरु का माउंट, ये रहा सनी का, और ये रहा आपके सूर्य का माउंट, है ना। तो सिर्फ यहाँ पे क्रॉस हो, यानी कि आपके इंडेक्स फिंगर के नीचे का जो एरिया हो, उस जगह पे यदि क्रॉस हो, तो फिर उस क्रॉस को हम लोग अच्छा मानते हैं। मेरी फेट लाइन लाइफ लाइन से निकली है और हेड लाइन पे रुक गई है, तो इसका क्या मतलब होता है? तो देखिए, इसका मतलब क्या होता है ना, कि लाइफ में बचपन से एक टाइम तक 36 के एज तक होता है, 36 के एज तक आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है ना, बहुत अच्छा लक का साथ मिला, लेकिन उसके बाद लक का साथ मिलना कम हो जाएगा। आप जितना मेहनत करोगे उतना ही फल मिलता है। मैम, मेरी राइट हैंड में जुपिटर माउंट पे झंडे वाला मंदिर बनता है, इसका क्या प्रभाव होता है? देखिए, झंडे वाला मंदिर जो होता है ना, एक तो मंदिर होता है उसपे ध्वजा बनता होगा, आई थिंक आप जो बोल रहे हो, तो इसका मतलब होता है, अच्छी बात है ना, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। आप बहुत ज्यादा धार्मिक होंगे, मंदिर बनवाएंगे भविष्य में, ये सब चीजें होती है, धार्मिक बहुत होते हैं। सूर्य पर्वत पे एक लाइन पर स्क्वायर है जो कि बिल्कुल फ्लैग के तरह लगता है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, सूर्य माउंट पे जो कि आपके अनामिका फिंगर जो होते हैं, उसके नीचे का एरिया आपका सूर्य का माउंट होता है, ठीक है, इस पे होना बहुत अच्छी बात होता है। और अच्छी बात में क्या होगा, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। सन जो है ना, आपको रिस्पेक्ट दिलाता है, नेम फेम दिलाता है, दौलत शोहरत दिलाता है, तो ये सब आपको दिलाएगा। सूर्य पर्वत पे एक लाइन पे स्क्वायर है, तो हाँ, इसका मतलब तो यही हो गया। उसके बाद एक है लोटस का साइन लाइफ लाइन के लेफ्ट हैंड एंड अनदर केतु माउंट ऑन राइट हैंड, तो अच्छी बात है। देखिए, केतु माउंट पे अगर आपको बन रहा है इस तरह से लोटस का साइन, तो ये माँ लक्ष्मी का कृपा है और अच्छी बात है ना, ये बहुत अच्छी बात होती है, माँ लक्ष्मी का कृपा होता है, पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन नहीं है। मैम, चंद्र पर्वत पे मंदिर का साइन हो तो क्या होता है? देखिए, चंद्र पर्वत पे मंदिर का साइन बहुत अच्छा चीज होता है। अगर आपको स्क्वायर का साइन सिर्फ चंद्र पर्वत पे, सिर्फ और सिर्फ सिर्फ एक स्क्वायर का साइन हो, तो इन लोगों को विदेशों से लाभ होता है, फॉरेन वगैरह से लाभ होना, दूसरी चीज है बर्थ प्लेस से दूर लाभ होना, आफ्टर मैरिज सक्सेस मिलना। चंद्र जो होता है ना, आपका मन का होता है, यानी कि मन में सुकून मिलना, आप जो काम को करेंगे उसमें सक्सेस मिलना, इन शॉर्ट आप समझिए, उसमें आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा। देखिए, मंदिर का साइन हथेली में किसी माउंट पे हो तो पॉजिटिव साइन होता है, इसलिए पॉजिटिव होता है, एक तो स्क्वायर होता है, उसके ऊपर ट्रायंगल होता है, तो ये लोग लाइफ में कभी ना कभी आध्यात्मिक जगह से जरूर जुड़ते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है कि आप लोग लाइफ में कभी ना कभी मंदिर का निर्माण जरूर करवाते हैं, ठीक है, तो ये चीज होता है।